नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस था फर्स्ट पेपर का, तो उसके अनुसार राजस्थान की ज्योग्राफी में दोस्तों अपने दो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो राजस्थान का परिचय, ठीक है, और दूसरा था राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। और दोस्तों आज अपना जो तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु, तो दोस्तों जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट की गई है ये दोस्तों तीन पार्ट में ये कवर होगी। तो अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों सीरीज चल रही है तो सीरीज के साथ साथ में जो पुराने वीडियो हैं उनको भी देखते जाइए। फर्स्ट पेपर के भी चल रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी के भी चल रहे हैं, तो दोस्तों साथ में देखते हुए चलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? तो दोस्तों वो रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देख लो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 50 सेमी समवर्षा रेखा। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 50 सेमी समवर्षा रेखा है ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। इस रेखा के दक्षिण और पूर्व में वर्षा अधिक होती है, ठीक है। 50 सेमी समवर्षा रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा कारक है जो प्राकृतिक वनस्पति के विवरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देख लिया करो उत्तर दोस्तों और मन में सोच लिया करो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जलवायु, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उपआर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा जिला है वो उपआर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो उपआर्द्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, टोंक, ठीक है, भीलवाड़ा, झुंझुनू, ये दोस्तों ये जो क्षेत्र आते हैं ये उपआर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार नंबर प्रश्न, राज्य में तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? राज्य में तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई है वो किस जिले में होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, तालाबों द्वारा जो सबसे अधिक सिंचाई है ये पाली जिले में होती है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच नंबर प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गंगानगर जिला है, इसमें सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। तो इसमें चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गंगानगर में जो अधिकतम आंधियों की जो संख्या है वो कितने दिन तक आती है? तो वो आती है दोस्तों 27 दिन तक, ठीक है, 27 दिन तक। बीकानेर में आती है दोस्तों 18 दिन और जैसलमेर में आती है 16 दिन, ठीक है, और अजमेर में आती है दोस्तों 3 दिन। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर जिला, इसमें 27 दिन आंधी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो राजस्थान का वह क्षेत्र कौन सा है जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो नगण्य यानी कि वर्षा न के बराबर होती है, वो जिला कौन सा है, सॉरी वो क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबको पता होगा ये, तो जो उत्तरी पश्चिमी जिले हैं, ठीक है, जो उत्तरी पश्चिमी भाग है तो वहाँ पर वर्षा है वो न के बराबर होती है यानी कि नगण्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। कौन कौन से आते हैं? तो देखो इसमें जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर,
ये जो क्षेत्र आते हैं चूरू हुआ, ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आता है, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। आठ नंबर प्रश्न है, राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर है। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की जो सर्वाधिक दर है वो कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, झालावाड़। चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान का तापमान शीतकाल में कितना रहता है, राजस्थान का तापमान शीतकाल में कितना रहता है, तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कितना रहता है इसका तापमान, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शीतकाल की बात कर रहा है दोस्तों ये, तो शीतकाल में रहता है 12 से 17 डिग्री सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और गर्मियों में कितना होता है, तो गर्मियों में होता है दोस्तों 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है चंबल नदी में, ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबूल्या क्या है, तो दोस्तों आप बबूल्या क्या है आप सभी को पता होगा, बबूल्या क्या है, तो दोस्तों ये एक आंधी का एक प्रकार है बबूल्या, ठीक है, जो एक छोटा होता है, ठीक है, तो गांव में पहले कहते थे कि चप्पल दिखाने से बबूल्या चला जाता है, ठीक है, तो एक गोल गोल घेरे के अंदर आता है छोटा सा, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो आप सभी ने देखा भी होगा बबूल्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव किस जिले में है, तो दोस्तों सबको पता होगा समगांव है वो कहां पर है, तो समगांव जैसलमेर में है, ठीक है, सम तहसील भी है, तो चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान रहता है, तो ग्रीष्म ऋतु में राज्य का जो औसत तापमान है वो कितना रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कितना रहता है, ग्रीष्म ऋतु में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान, और शीतकाल में कितना होता है, तो 12 से 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है, राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वाधिक तापांतर की अगर अपन बात करें तो वो रहता है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में, चार नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, BWHW प्रदेश में जिले आते हैं, BWHW प्रदेश में जिले आते हैं, तो कितने जिले आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर बीकानेर हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है ये दोस्तों BWHW प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये किसने दिया था BWHW, तो ये दिया था दोस्तों व्लादिमीर कोपेन, ठीक है, किसने दिया था, व्लादिमीर कोपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, इसमें देखो से आने वाली हवाएं शुष्क और गर्म होती है जो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती है, ठीक है, तो वो कौन सी दिशा से आने वाली हवाएं होती है जो शुष्क और गर्म होती है जो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी में, ठीक है, पश्चिमी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी, ठीक है, तो इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में जो सबसे कम वर्षा है ये दोस्तों जैसलमेर में होती है, कहाँ पर होती है, जैसलमेर में, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं, कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं, तो वो कौन से हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो AW, BSHW, BWHW और एक और है दोस्तों CWG, ठीक है, ये चार भागों में बांटा है कोपेन ने राजस्थान की जलवायु प्रदेश को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन। 19 नंबर प्रश्न है, नक्की झील कहाँ है, तो दोस्तों नक्की झील है वो सबको पता होगा माउंट आबू में है, ठीक है,
वहाँ पे वोटिंग भी होती है, और उसके जस्ट पास में दोस्तों एक नंदरोक और टोडरोक भी है, दो चट्टानें बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, AW जलवायु प्रदेश में जिले आते हैं, AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो AW की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर है वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि एक नंबर का जो ऑप्शन है उसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान है ये कौन से कटिबंध में स्थित है? तो ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध सबको बताओगा, दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है, तो राज्य में वर्षा की मात्रा दोस्तों घटती है, तो किस साइड से किस तरफ तक ये घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ है ये घटती है, यूं। ठीक है, यूं घटती है दोस्तों, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ है वो घटती है, तो एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो, उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती, तो राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ता? तो दोस्तों राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है, राजस्थान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होती। ठीक है, यानी कि अरावली अगर यूं न होकर, ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है, राजस्थान में अधिक वर्षा होती कई भागों के अंदर। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थली जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, किस कूट का प्रयोग किया? तो देखो उष्ण मरुस्थली जलवायु के लिए, तो सबको पता होगा दोस्तों वो है BWHW। कौन सा है? BWHW इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न, राजस्थान की वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर पश्चिमी भाग एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में विभक्त करती है? ठीक है, राजस्थान की वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उसे उत्तर पश्चिमी भाग एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में विभक्त करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आबू पर्वत श्रेणी। कौन सी है? आबू पर्वत श्रेणी, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का जो आधारभूत जो कारण है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? तो राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, जैसलमेर जिले में रन का बाहुल्य है। ठीक है, रन का बाहुल्य है जैसलमेर जिले में। थोड़ा दोस्तों मैं इसमें बता देता हूँ, तो देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश महान मरुस्थल पूर्व में जैसलमेर जिले में स्थित है। ठीक है, महान मरुस्थल के पूर्व में जैसलमेर में स्थित है। इस संपूर्ण प्रदेश में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी जिलों का निर्माण होते हैं। ठीक है, इन्हें रन कहते हैं। ठीक है, और वो जो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखो बाप जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, लवा बांकरी ये भी जैसलमेर में, ठीक है, और थोब बाड़मेर ये प्रमुख रन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किन मानसूनों से होती है? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा है वो किन मानसूनों से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरब सागर की ओर से आने वाली मानसून से। ठीक है,
अरब सागर की ओर से आने वाले मानसूनों से जो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में सूर्य किस माह में लंबवत चमकता है? राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में सूर्य किस माह में लंबवत चमकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जून माह में जो सूर्य है वो लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कहाँ पर है? तो ये जयपुर में स्थित है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, तो इसमें जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो अपने को एक तरफ दी गई है परियोजना, दूसरी तरफ है जिले। ठीक है, एक तरफ दी गई है परियोजना, दूसरी तरफ दिए गए हैं जिले। तो देखो बांकली बांध है ये कहाँ पर है? तो बांकली बांध है दोस्तों कहाँ पर है? जालौर में। बांकली बांध जालौर में। सोम कमला अम्बा जो परियोजना है ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और देखो मोरेल बांध है दोस्तों स्वाई माधोपुर में। और जाखम बांध इसकी 81 मीटर ऊंचाई है, ये है प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3, 4, 2, 1, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कूटभाषा में इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, जिसमें 3, 4, 2, 1 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जोजड़ी। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जोजड़ी जो नदी है ये नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है नागौर और जोधपुर जिला है। ठीक है, यह लूणी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूणी नदी में दाईं ओर से मिलती है, जिसका उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी है? तो 550 किलोमीटर राजस्थान में है। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की कृत्रिम झील है सबसे बड़ी, वो है जैसमंद। कौन सी है? जैसमंद। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अरबी भाषा के शब्द से बना है मानसून शब्द। दोस्तों मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा के शब्द है मौसम। ठीक है, मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मानसून का पता सर्वप्रथम प्रथम सदी ईस्वी में हिप्पोकस, ठीक है, हिप्पोकस ने लगाया था। हिप्पोकस याद रखना, हिप्पोकस ने सर्वप्रथम जो मानसून का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न, थार का रेगिस्तान स्थित है, तो दोस्तों थार का जो रेगिस्तान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थार का रेगिस्तान स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 640 किलोमीटर लंबा है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है, ये 300 किलोमीटर है
जो राज्य का लगभग 209,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन। 37 नंबर प्रश्न है, जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण है। जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का जो कारण है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी। जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का जो प्रमुख कारण है वो है सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान को कौन सा जिला या कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं? अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान को कौन सा जिला या कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा जिला, तो वो है उष्णकटिबंध की बात हो रही है तो वो बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर है, तो इसमें देखो राज्य में सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में हो रही है? राज्य में सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किस जिले में हो रही है, तो वो हो रही है दोस्तों पाली जिले में। किस जिले में? पाली जिले में। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, किस जिला युग्म में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक है? किस जिला युग्म में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर में। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर में ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर बाड़मेर। तो दोस्तों ये हो गए जो आज के अपने राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर जो टॉप इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट भाग है वो कल आएगा, तो दोस्तों बने रहिए आराध्य आर्यस अकेडमी के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।